ऐसी क्या गलती हो गई मंत्री जी से, बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं मिली। सीएम की मौजूदगी में हुआ अपमान। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ चुपचाप निकले मंत्री जी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा अकेले मुस्लिम मंत्री हैं और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इस मौके पर उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नसीब नहीं हुई और उन्होंने वहीं से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर समझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई बड़े नेता मौजूद थे। सरकार में शामिल राज्य मंत्री मोहसिन रजा भी वहां मौजूद थे, लेकिन मंच पर बैठने के लिए मोहसिन रजा को कुर्सी नहीं मिल पाई तो उन्होंने वहां खड़े रहना ही मुनासिब समझा। लेकिन जब कुछ देर बाद तक भी उनके बैठने का इंतजाम नहीं हुआ तो उन्होंने चुपचाप पार्टी ऑफिस से निकलने में ही बेहतराई समझी। ऐसा कई मौकों पर देखा गया है कि मोहसिन रजा को पार्टी में अहमियत नहीं मिली हो। हाल ही में कुंभ स्नान और अयोध्या में आरती के दौरान भी वो ऐसी ही परिस्थिति का शिकार बन चुके हैं। अब मंत्री जी के साथ इस तरह की घटनाएं महज इत्तेफाक है तो सही है, लेकिन अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो फिर सोचने वाली बात तो जरूर है।